तकरीबन सब रेडी हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, कैसे खैरियत से? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, कमेंट, शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस आज है ईद का तीसरा दिन और आप सब लोगों को ईद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और मेरी तरफ से छोटे बड़े बाजियाँ बाजे चाचे चाचियाँ मामे मामियाँ सबको जो है वो ईद मुबारक। और अभी हम जा रहे हैं एक दावत में और शाम के बज चुके हैं 7, यानी 7:30 हो रहे हैं और मगरिब का टाइम हो चुका है। हम लोग भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं और अब निकलने लगे हैं दावत के लिए। नीचे जो है वो गाड़ी वाला आ चुका है। और कराची का जो मौसम है बहुत प्यारा हो रहा है, जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि यहाँ की शाम जो है कराची की शाम बहुत खूबसूरत है। सो बस हम वेट कर रहे हैं क्रीम वाले का, वो अभी तक नहीं आया। अम्मी आशीन और मुश्तबा इब्राहिम तो जा चुके हैं, बस हम दोनों हम तीनों रह गए हैं और हम तीनों ये रहे और हम इंतज़ार कर रहे हैं क्रीम वाले का, वो आएगा तो हम जाएँगे। सो ठंडी ठंडी जब तक हवा खा रहे हैं, कितने मज़े की हवा चल रही है। हवा देखें तुम्हारी कंडीशन ही है, ये बिल्ली नाले में ही गिर सकती है। जो तेरे मत्थे लगता है वो साफ सबका हाल यही होता है। यही है इन ड्राइव वाला, यही है इन ड्राइव। चलो फाइव स्टार से चले, हमें केक लेना है। चलो बिस्मिल्लाह। फाइनली हमारा इन ड्राइव वाला आ चुका है और हम लोग जो हैं वो निकल चुके हैं नया नाजमाबाद जाने के लिए, यानी दावत पे जाने के लिए। ओ भाई हो ले, इधर सारे पुर्जे ही खुले ना। आया है बैकरी पर तो कबाब चीज पे आया, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो पहले लेना था केक, वो खुद तो चली गई, मुझे छोटा सा केक लेकर आ जाना था। तो पहले केक लेंगे एंड देन उसके बाद जो है आओ देखो केक के साइड पे। कौन से पे? प्लैटिनम पे है, सिल्वर पे, गोल्ड पे, किस पे है? पेमेंट किस साइड होगी? इनसे कुछ पेमेंट किस साइड होगी? 30%। कितने फोन पे कार्ड? अब जो है वो यहाँ पर हम जो है वो इसकी बिलिंग करवाएंगे। कार्ड तो मेरे पास ऑलरेडी है, कार्ड पे हम जो है वो डिस्काउंट भी मिला है। वैसे पैसे तो मैं इतनी गरीब हूँ, रखती ही नहीं हूँ पैसे, ना मैंने कभी रखे हैं, कार्ड ही रखती हूँ। आओ आ गया, कार्ड दे दें, कार्ड चलो। आज जब बाहर आए गए तो पैसे भी निकालूं, जैसे कि मैंने बताया मैं इंतहाई गरीबों वाली हरकतें करती हूँ, पैसे नहीं रखती बिल्कुल भी। हाय यकीन करो इतना ऐसी मैं इंतहाई गरीबों वाली हरकतें करती हूँ, थोड़े थोड़े पैसे निकालती हूँ और यहाँ इतनी अच्छी कुटिंग हो रही, दिल चाह रहा है यहीं बैठ जाऊँ। अभी तो हम दिन में आते ना ज़्यादा आए पे। कितनी प्यारी मस्जिद है, फाइनली हम लोग जो हैं वो दावत वाले घर पहुंच चुके हैं, यानी चलो नहीं अग्गा लग दो बकरियां। चलो जूते यहीं उतारने, चलो चलो उतर जाओ, सलाम दो बाद ही करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
सलाम वालेकुम अंकल। जानदे वाले सानू दे छड़ी। मेरी बहन है और हम दावत पे आए हैं और इधर एक ही वाली इसके देखें जूंडे उड़ रहे हैं इसके सारे। यहाँ पे जो है वो खाना लग चुका है और बस भूख बहुत ज़्यादा लगी थी बहुत सुबह से। अब जल्दी जल्दी करते हैं खाना स्टार्ट। और मेरी भूखी बहनें जो हैं यहाँ पे ये देखें घानिया का तो चलो समझ में आता है ये हम इसको वो थोड़ा सा कम देते हैं और इफ्रा के आगे तो पूरी खुरानी लगी हुई है ब्रोस्ट की और इसने तो सारे कबाब ही अपने पास रख लिए। मेरी अम्मी भी सुबह शर्म से खा ही रही लेकिन खैर है। तो मैं तो बस बहुत लिमिटेड खाती हूँ। लाओ दो घानिया आधी प्लेट भी नहीं खा सकती मैं। एक्स्ट्रा खादा मैं एक्स्ट्रा खांदी ही नहीं। मेरी बहनों ने मेरे आने से पहले ही चावल मुका दिए हैं। आई मैं चावलों का इंतजार कर रही हूँ। सो गाइज खाना वाना जो है वो हम लोगों ने खा ली और अब जो है वो थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे नीचे। मैंने मुझे भी पासवर्ड वो करना थोड़ी देर नीचे बैठेंगे हवा में ठंडी में। भैया थॉमस फोर्स ना अल्लाह माँ जल्दी करो। ये जो कटियाँ हैं खा पी के थोड़ी देर वॉक करने के लिए आए हैं बाहर हवा खाने के लिए आए हैं। बहुत प्यारा मौसम है हवा लेने के लिए आए हैं। खाना या लेना ही कोई गल है लेना ही खाना है लेना है खाना है। तो खैर अभी जो है हम लोग बाहर आए हैं हवा लेने के लिए खाने के लिए जो भी है। तो यहाँ बहुत प्यारा मौसम हो रहा है बहुत ठंडी हवा और ये हम लोगों ने खाना खाया अब आया नीचे। थोड़ा बहुत हजम भी हो जाएगा वॉक भी हो जाएगी और दोबारा एक और शिफ्ट भी लगा लेंगे। और घानिया टिड्डी को देखें वो घानिया टिड्डी जा रही है ये हमारे बच्चे जा रहे हैं और ये हमारा कट्टा खड़ा हुआ है बच्चा। 1 2 3 go कहो कट्टा 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 और टिड्डी कहाँ जा रही है वो देखो। मैं इनको कट्टा कहती हूँ मैं तो खुद एक बहुत बड़ा कट्टा हूँ बच्चा हूँ मैं तो। और ये देखो ये छोटा सा बेबी जा रहा है ओए कितना एक्सपर्ट है ये। और अभी जो है हम लोग कर रहे हैं वॉक क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है वो वैसे तो कुछ खाया नहीं है मैंने बिरयानी खाई है थोड़ी बहुत लेकिन उससे ही हैवी हो गया बहुत ज्यादा। एक्चुअली हमारी खुराक इतनी ज्यादा है नहीं ना। वो कितनी प्यारी स्कूटी चला रहा है वो उसकी स्कूटी भी अच्छी है। तो अभी हमने सोचा कि थोड़ी देर वॉक करते हैं वॉक करने के बाद देन फिर एक शिफ्ट लगाएंगे। यानी हमारे लिए अभी ब्रोस्ट बच्चा पड़ा चाटनी खाई वो भी पड़ी है और मीठा भी पड़ा हुआ है वो भी खाएंगे अभी। क्या कर रहे हो ए बेटा ये इसको हाथ नहीं लगाते इसके अंदर भूत होते हैं रात को। गंदुम है रात को भूत होते हैं आ जाओ। हाँ ये सामने वालों की प्यारी सी कैटो है ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या प्यारी सी कैटो है दिखाती हूँ। ये सामने नेबर्स में है जहाँ हम दावत में आए हैं ये सामने और ये इन्होंने प्यारी सी कैटो ओह कितनी प्यारी है कैसे घूर रही है अरे काट लेगा वो करते हैं ना इसको होता है मारेगी नहीं फिर भी अच्छा सिर्फ वो हल्का सा रखेगी। दिखाओ ये इधर से इधर से वो देखो वो देखो कौवा घूर रहा है। ओए मैंने इसकी एक आंख रेड है थोड़ा सा इसका रिएक्शन बदल लेते बाहर अभी आई है ना। अच्छा तो बैठ के इस तरह कर रहे हैं हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे खा रहे हैं हजम हो गया थोड़ा बहुत और थोड़े बहुत की जगह भी बन चुकी थी हमारे पेटों में। अम्मी कैचअप ना बेटा कैचअप
ये नया नाजमाबाद है और ये यहाँ का कुंभा है। मेरी बड़े मुंह वाली बहन और मेरी छोटे मुंह वाली बहन और मेरी सब तो बड़े वाली। ये इनके दो बच्चे हैं और ये हमारा है, ये उस्मान भाई है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये उस्मान भाई है, ये मेरी अम्मी है, ये आंटी है, ये इनकी अम्मी है और ये इनकी अम्मी है। और ये मैं हूँ, ये उस्मान भाई की बेगम है। ये मैं इनको भी जूम करके दिखाती हूँ। और ये हमारा बेबी है, ना होते होते भी हम इसको बर्दाश्त करते हैं। आप थोड़ा सा डांटे इसको, थोड़ा सा इसको ड्राई। फिर खाना खाने के बाद हमने आम खाए, आम खाने के बाद हमारे पास आई चाय और अब जो है वो सब अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। मैं चाय किसी की नहीं पीती, बहुत सारी चाय पीती हूँ, कम चाय पीती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा जो है वो चाय का टेस्ट मार लिया मेरे बेटे के पास। और जो है वो रात के बज रहे हैं 12:15 और हम लोग अभी तक यहीं पर हैं और घर गए ही नहीं क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है और हमारा घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। चाय के साथ साथ सबके लिए आया चॉकलेट केक और ये सबको कटिंग करके दे रहे हैं, यानी छोटे छोटे स्लाइसेस करके केक के सारे बच्चों को, बड़ों को, सबको। अम्मी की हो गया, अम्मी थक गई हैं। केक मिल गया, तो बस दबा दो, केक मिल गया, बस पूछना चाह रही थी कि उसको केक मिल गया। हमारी दावत का हो चुका है एंड और अब हम जा रहे हैं अपने घर। हमने खा पी लिया, हजम कर लिया, खेल लिया, सब कर लिया, अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। और जैसे कि हम तो हैं चिंची वाले और वो हैं कार वाले, तो वो अभी हमें ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। ये रहे मेरी कार, अब ये यू टर्न लेंगे उसका, देन हम इसमें बैठेंगे और जाएंगे अपने घर। चलो भाई, और मेरा पसीने से हो रहा है बुरा हाल, इतना पसीना आया, मैंने इतना बच्चों के साथ खेला, इतना खेला, अब मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तब जो है वो हम लोग। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। जब दिल चाहे आ जाएगा, आप आइएगा जब जवेरी आ जाएगा ना, फिर आएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। गुड बाय, बाय बाय। कट्टा आजा, चलो तो फाइनली जी अब जो है हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। और यहाँ पे मुझे बहुत प्यारी प्यारी इन्होंने डेकोरेशन बनाई हुई थी नया नाजमाबाद वालों ने। खैर बाहर के एरिया से तो बहुत ही अच्छा है ये, इन्होंने गोल सा दुनिया का वो बनाया हुआ था, गोल अंडा यानी वर्ल्ड, वो क्या कहते हैं इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा, छोड़ो रहने दो, मैंने बता कि क्या करना है, किसी ने समझ थोड़ी जाना। तो अब जो है वो हम नया नाजमाबाद से निकल चुके हैं और बस हमें विद इन 5 to 10 minutes में हम पहुँच जाएँगे घर। ले जी, तो हम पहुंच चुके हैं घर। सो गाइस, यहीं पे करती हूँ अपने आज के ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में कल। अल्लाह हाफिज़।